हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोपाल, हिंदुस्तान का दिल देखो, भोपाल देखो, मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म। हाँ तो जी, यही अब आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह उठ के कुछ खाने के लिए निकले थे, लेकिन खाना हमें मिल नहीं रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में चलते चलते जो भी मिलेगा वहाँ पे, यानी भोपाल टू साँचू जो भी बीच में हम लोगों को खाने के लिए जो जगह मिलेगी वहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुक जाएंगे। तो पहले उत्कर्ष कॉफ़ी पिएगा, क्या पिएगा, चाय, कॉफी, वो कॉफ़ी पिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं रास्ते में। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK रेडी टू राइड। तो हम चल दिए साँची स्तूपा। हाँ, ले रहा हूँ। एक्चुअली नेविगेशन पीछे साइड में है। तो आपको गुफ्तगू कराते हुए क्या बोला तूने, भोपाल की गलियों से जो सुबह के टाइम बहुत ही खाली खाली लग रही है। और टाइम हो रहा है 8:30। डिजिटल क्लॉक से ना एनालॉग क्लॉक मेरे को ज़्यादा पसंद है। मैं जो चीज़ के लिए भोपाल आया था वो था साँची स्तूपा, क्योंकि मैंने काफ़ी समय पहले कमिटमेंट की थी कि मैं इंडियन करेंसी राइड करूँगा। लेकिन कुछ कुछ रीज़नों की वजह से, छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से, जैसे मेरे ऑपरेशन, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरी बिजनेस, वो सब चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही थी। लेकिन नहीं, हम लोगों ने आखिर इसे भी कंप्लीट कर दिया। ये है साँची स्तूपा 200 रुपये की करेंसी के नोट के ऊपर। उधर जाना है, ये कार निकलने से पहले निकालो, अपना ही सिग्नल है। तो ऐसा जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं जा सकते, ऐसा ही जाएंगे। हाँ, ये कर लो पहले। नहीं भाई, ऐसा नहीं जाना, वो है उल्लंघन होता है, उल्लंघन। इतना थर्ड क्लास होटल मिला ना कि मैं क्या बताऊँ यार। मैं हमेशा पहले प्री प्लान कर लेता हूँ कि कौन से होटल्स में रुकना है, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती हो गई। ये ट्रिप के बाद तो सबसे पहले नागपुर जाऊंगा और ऑर्डर में डालूंगा टॉप बॉक्स और पैनियर। सैडल बैग में मज़ा नहीं आता, वो फील ही नहीं आ रहा यार सैडल बैग के अंदर यार। बांधो, निकालो, Above the skies, overseas, I hear them all those places calling me. ये जो माउंटेन आप लोग देख रहे हो इधर से, यहाँ से लेके पूरा, ये विंध्याचंद माउंटेन उधर हो जाते हैं। बी बोलते हैं कि वी बोलते हैं, लेकिन विंध्याचंद ये विंध्याचंद माउंटेन बोलते हैं इसमें। और इसी के ऊपर है साँचू स्तूपा। अच्छी 25 किलोमीटर है भाई अभी यहाँ से, और आगे जाना है। ये जो लाल वाले झाड़ है, ये है महुआ के झाड़। तो इससे कई जगह पे वो बनती है दारू, दारू। ये वाले पूरे के पूरे जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे महुआ के झाड़ हैं, ये लाल हम लाल। और ये मेरे ख्याल से यही टाइम पे होता है, क्योंकि अब हो गई है बरसात ख़त्म, ठंडी और बरसात दोनों ख़त्म हो, अभी लोग इसको जमा करेंगे जो ज़मीन पे गिरे हुए हैं, उससे बनाएंगे ये लोग महुआ की दारू, 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 दारू। हम लोग साँचू में आ चुके हैं, साँचू में। वो देखिए साँचू को, वो ऊपर में दिख रहा है मेरे ख्याल से, पुरातत्व संग्रह साँची। ये साँची म्यूजियम है अंदर में मेरे ख्याल से। भैया म्यूजियम की भी देना और इसकी भी देना, दो का इसके है, मॉन्यूमेंट का यहाँ है, दो म्यूजियम की दे दीजिए। म्यूजियम ये पीछे वाला ही है ना, पहले म्यूजियम जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? पहले म्यूजियम घूम लो, इसके बाद ऊपर चले जाना। चलो ठीक है भैया, आप जाए। जॉन मार्शल का हाउस है, जॉन मार्शल का घर बहुत अच्छा था यार, कुछ भी बोलो यार। काश ये लोग मुझे अंदर एंट्री दे दे इस घर के अंदर, कते गजब घर है, बिल्कुल एंटिक जमाने का है। ऐसे घर में रहने का फील कितना अच्छा होता होगा यार, बहुत ही प्यारा फील आता होगा यार। ऊपर से बालकनी से खड़े होके देखना, नीचे से आना, वाह यार। कुछ चीज़ें टूट गई है लेकिन सही है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ।
हम लोग कर रहे हैं एंट्री कहाँ, सांची स्तूपा के अंदर। अरे भाई राजा इंसान है, हमेशा कैमरे के अंदर सब कुछ फ्लैट लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे खड़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी ऊपर। यह है विंध्याचल माउंटेन जिसके ऊपर बना हुआ है सांची स्तूपा। ये बाइक और मैं यानी कि बेबी जीएस और एजाज खान दोनों इंडिया के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घूम लेंगे एक दिन। काफ़ी बड़ा है यार ये। ओ यार कितने सारे लोग आए हैं, मुझे लगा कि गिने चुने लोगों के। नहीं भाई नहीं, भर भर के आए लोग। कहाँ पे गाड़ी तो यही लगा दो। एंट्री मिल गई और यहाँ पे कैमरे की भी परमिशन है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे अब जाके मुझे कैमरे की परमिशन मिली, नहीं तो कहीं पर भी अभी तक ये कैमरे की परमिशन थी नहीं। तो जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं वहाँ पे दो चीज़ें देखने की, या तो फिर इसको स्टडी कर लो और देख लो जाके, दूसरा गाइड कर लो, और तीसरा जो अब मैं तीसरे में आता हूँ, या जिस भी मॉन्यूमेंट या कोई भी जगह को जाना है उसके पहले उसके बारे में पूरी स्टडी कर लो। तो मैंने स्टडी करके आया हूँ इस बार पूरी, तो इस बार कोई गाइड वाइड नहीं, इस बार मैं खुद आपको ये दिखाऊंगा। एक्चुअली आज मौसम हमारे साथ नहीं है, मतलब सूरज की रोशनी आज मेरे साथ नहीं है, उतने अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही आज। कल बारिश, आज धूप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉन्यूमेंट को घूमने से पहले ना मैं सबसे पहले मॉन्यूमेंट के चारों तरफ घूम के आता हूँ, तो पहले मॉन्यूमेंट के चारों तरफ आप मेरे साथ घूमिए। तो मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हो? बिल्कुल, चलो। साचू का स्टोन मॉन्यूमेंट है, इसको पूरा राउंड लगाना है मुझे, पूरे 3 मिनट 35 सेकंड लगे, लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखता मैं। तो शुद्ध हिंदी में बोलूँ मैं, ये जो साचू स्तूपा है ना इसको मैं कहूँगा एक टाइप का कब्रिस्तान, जो भगवान बुद्ध है उनकी अस्थियाँ। ये जितने भी आप मेरे बाजू में ये देख रहे हो स्टोन के, ये जितना भी सारी चीज़ें हैं ना, ये जो स्टोन से बनी हुई है, एक दूसरे से लड़ियों की तरह बनाया गया था। जब अशोक सम्राट इसको बना रहे थे तो जो यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे उन लोगों ने ये सारे चीज़ें डोनेट करे थे, और डोनेट करने के बाद ये चारों तरफ से रेलिंग तरीके से बनाया गया हुआ था। तो एकदम जैसे लड़ियाँ एक दूसरे में अड़ी हुई रहती हैं, जैसे झाड़ एक पिलर लगा दो उसके चारों तरफ से घूम के एक दूसरे में फंस जाती है, वैसे सेम ये इसको बनाया गया था। तो वैसे ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं था उस समय, ये जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं यही है। पहले ये थोड़ा सा मिट्टी से बना हुआ था, फिर उसके बाद जब ग्रेट अशोक आया फिर उन लोगों ने इस चीज़ को धीरे धीरे करके और बनाया। तो पहले जब ये छोटा था, लेकिन फिर उसको जब उन्होंने और बनाया तो ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। द ग्रेट अशोक पहले कोई और थे, फिर उन्होंने अपना धन परिवर्तन करके बुद्धिज्म के अंदर आए वो। और जहाँ पे अभी हम लोग हैं ना वो है विंध्याचल माउंटेन, और ये जो स्तूपा बना है ये विंध्याचल, हाँ तो ये स्तूपा जो बना हुआ है ये विंध्याचल माउंटेन के ऊपर में बना हुआ है। और माउंटेन से ना जो व्यू नज़र आ रहा है साचू का, एकदम चुम्बेश्वर। देखो यार थकता तो है इंसान। और ग्रेट अशोक की वाइफ जो थी वो यहीं की थी, उनका नाम था देवी। एक्चुअली यहाँ पे ना उस समय जो मंक्स और जो बौद्धिस्ट लोग होते थे ना वो यहाँ पे स्टडी करने भी आते थे, तो उनका स्टडी वगैरह ही बताऊँगा कहाँ पे वो स्टडी करते थे।
पीछे पलटोगे तो फिर वहां पे आपको दिखेगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ पता है किसको बोलते हैं? वो बन रहा है हमारा संसद भवन। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा ना तो आप पक्का लगा लोगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसका अशोक स्तंभ का अभी अभी उद्घाटन कर रहे हैं। तो अशोक स्तंभ कहाँ से आया था सबसे पहले पता है? ठीक मेरे पीछे थे, आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये बने हुए चार शेर, यही अशोक स्तंभ है। तो ये आप पुलिस वालों के हेड के ऊपर देख सकते हो। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये फ़ोटो ली कहाँ से गई ये समझ में नहीं आ रही। ये हमारे इंडियन करेंसी के ऊपर लिखी हुई है 200 रुपये का नोट, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ली गई, किस जगह से खड़े होगी। यहाँ से नहीं ली है जहाँ से मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, हल्का सा एंगल तिरछा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे जो पीछे में आप ये देख रहे हैं ये था उस समय का एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप बहुत देश लोगों को, जहाँ पे वो लोग ध्यान ग्रहण करते थे। वो जो पूरा नीचे का सेक्शन देख रहे हो वहाँ पर, अब वहाँ से जाके मेरा कैमरा सही तरीके से दिखता नहीं इसलिए मैंने यहीं से दिखा दिया आपको क्या है वो जगह, और मेरा उत्तेज हो जाने का कोई मूड भी नहीं लग रहा। देर से खड़े हो कि मैं 20 रुपये के करेंसी के नोट पे फोटो लेने की कोशिश कर रहा, आप लोगों ने टाइम लैप्स के अंदर देख लिया होगा बिल्कुल ढंगी फोटो नहीं है ये। इतनी कोशिश करने के बाद भी तो ऐसे ही होता है व्लॉगर लाइफ, नहीं खींच पाया, ले ही नहीं पाया आखिर तक के फोटो, मैंने गिव अप कर दिया, बोला अब नहीं खींचना मेरे को। चलो आपको दिखाता हूँ रोमन आर्किटेक्चर जो आग से जल के ख़त्म हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना इसका भी अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर ना पहले लकड़ियों आर्कियोलॉजी के सर्वे वाले जब इनको यूज़ कर रहे थे ना, तो जब उनको जली हुई लकड़ियाँ मिली तो उनको पता चला कि इसके ऊपर में लकड़ी की छत थी जो जल के ख़त्म हो गई, और पहले यहाँ पे स्टडी वगैरह की जाती थी यानी मंदिर था पहले। एक और मॉन्यूमेंट है वहाँ अंदर में ना, बहुत बड़ी बौद्ध की मूर्ति बनी हुई है, तो कैमरे में तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो अंधेरे के अंदर है, लेकिन ये मॉन्यूमेंट के भी चारों तरफ राउंड बन रहा तो बनता है। तो इसके अंदर बौद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है लेकिन वो नज़र नहीं आती, कैमरे से भी अंदर नहीं दिखेगा, तो इतना ही काफ़ी है। कार्यकाल यहाँ का भी पूरा और अब पेट पूजा, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को स्तूपा घूमना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं दिखा नहीं सका क्योंकि क्राउड परेशान कर रहा था। वहाँ पे एक ऐसा भी स्तंभ था जहाँ से लोग ना, मतलब पहले के जो बिजनेसमैन वगैरह थे जो व्यापारी लोग थे वो लोग ना उस स्तंभ से ना गन्ने का जूस निकालते थे, वो वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग घेर के खड़े थे, मेरा मतलब मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब वो जो लाल वाली बटन है ना सब्सक्राइब की, वो हो गई है ब्लैक, ठीक है। जूता फेंक के मारो, मुक्का फेंक के मारो, जो फेंक के मारना है मारो, लेकिन दब जानी चाहिए कैसे भी करके, और बेल आइकन दबा दो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।